जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन जैसे मल या पेशाब से संक्रमण फैल सकता है। इन कार्यों के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मरीज को बेडपैन के प्रयोग में सहायता करने की विधि सीखेंगे। सबसे पहले मरीज का दरवाजा खटखटाएं एवं अनुमति मिलने पर ही अंदर जाएं। मरीज को अपना नाम एवं आने का कारण बताएं। मरीज के केबिन का पर्दा ढक दें। अपने हाथ स्वच्छता से साफ करें। मरीज को बेडपैन प्रयोग करने में सहायता करने के लिए निम्न सामान की जरूरत पड़ेगी। डिस्पोजेबल दस्ताने, टॉयलेट पेपर, तौलिया, बेडपैन। मरीज को बताएं कि आप बेडपैन के प्रयोग में उसकी मदद करने जा रहे हैं। इससे वो सहज महसूस करेगा। मरीज को बताएं कि आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। बिस्तर के सिरहाने को सबसे नीचे की पोजीशन में करें। मरीज से पूछें कि उसके लिए कौन सी साइड सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। डिस्पोजेबल दस्ताने पहन लें। नितंबों के पास बेडपैन को रखें। ध्यान रखें कि बेडपैन का गोल किनारा नितंबों के नीचे हो। मरीज को वापस मुड़ने के लिए कहें ताकि बेडपैन अपनी जगह पर रहे। अपने हाथों को बेडपैन के ऊपर रखें जब तक मरीज पूरी तरह वापस नहीं मुड़ जाता। मरीज को क्लॉथ तौलिया या टॉयलेट पेपर दें ताकि शौच करने के बाद वे अपने आप को साफ कर लें। बिस्तर के सिरहाने को ऊपर उठा दें जैसे कि बैठने की पोजीशन में होता है। इससे उन्हें ये कार्य करने में आसानी होगी। मरीज को एकांतता दें। ध्यान रखें कि उसके पास कॉल बटन हो ताकि वो कार्य खत्म होने पर आपको बुला सके। जब मरीज का कार्य खत्म हो जाए उसके सिग्नल का जवाब दें। प्रयोग के बाद बेडपैन को हटाना। मरीज को साइड होने को कहें ताकि बेडपैन हटा सके। एक हाथ से बेडपैन पकड़ें और मरीज के नीचे से ध्यान से निकालें। यदि मरीज ने शौच क्रिया की है तो बेडपैन को बाथरूम में खाली करें। बेडपैन को धोएं और सैनिटाइज करें। मरीज के कपड़े और उसकी मुद्रा ठीक करें। चादर को ठीक करें। खिड़कियां खोल दें ताकि स्वच्छ हवा अंदर आ सके।